सभी किसान मित्रों को ब्रजेश तिवारी का राम राम नमस्कार, सलाम सत श्री अकाल सभी को आदाब। मित्रों, आज हम एक गांव में विजिट के लिए आए हैं। भावनगर के पास में गांव है और हमारे सहयोग में लाला भाई हैं। यहां पे कुछ भैंसे सेल के लिए अवेलेबल हैं, तो हम एक एक भैंस की डिटेल लेते हैं और लाला भाई से कुछ इन्फॉर्मेशन भी लेंगे। तो बीच में ट्रांसपोर्टिंग वगैरह की कैसे सुविधा आप लोगों को प्रोवाइड हो सकती है और आप लोग कैसे यहाँ पे आ सकते हैं, वो सारी डिटेल लेंगे। लाला भाई नमस्कार। नमस्कार सर। लाला भाई, जो हम विजिट कर रहे हैं फॉर्म, ये कौन सा गांव है? ये सीहोर के पास में खोड़ियार करके गांव है। ओके। राजपुरा बोलते इसको। ओके। राजपुरा गांव में सेल के लिए अभी 15 भैंस उपलब्ध है। ओके। और दूसरी भैंसे घास खाने गई है, वो एक एक महीने की कच्ची है, वो बाद में भी बेचना है इनको। अच्छा, तो अभी जो भैंसे अवेलेबल है सेल के लिए, उसमें एक एक भैंस की आप डिटेल बता दो। जैसे ये पहली भैंस है, ये चांदरी भैंस है। हाँ। तीसरा पेट में अभी जन रही है। तीसरे टाइम में उसने 9-10 लीटर एक टाइम का दूध निकाला है। अच्छा। दूध देगी ज्यादा, लेकिन हम कम बोल रहे हैं। अच्छा। कम बोलने से ही के आगे को ग्राहक को मालूम पड़े कि भैया ज्यादा दूध दे रही है। हाँ हाँ हाँ। हम 18 लीटर बोल रहे हैं, लेकिन 20 लीटर दूध ये भैंस देंगी। तो मित्रों, ऑर्डर बाउल आप देख सकते हो। मित्रों, ये ऑर्डर देखो, बहुत बढ़िया। अभी लाला भाई कितने दिन में बच्चा देगी? ये 4-5 दिन, ज्यादा से ज्यादा 8 दिन निकालेगी। 8 दिन लेगी। और आप इसका जो बावला है वो देख सकते हैं, बढ़िया सा निकालेगी। बढ़िया बावला है, पूरी चौड़ाई में है और बहुत बड़ा इसका बावला है। तो लाला भाई, इसकी एक वाजिब कीमत कितनी होगी करीब? मालिक इसका 1,80,000 बता रहा है। हाँ हाँ। लेकिन बैठक में सब हो जाएगा। अच्छा। आमने सामने कोई भी लेने वाला आएगा ना। हाँ हाँ। हो जाएगी। अच्छा, तो मित्रों एक अंदाजा आप लोगों को बता रहे हैं, बाकी जब आप लोग विजिट करेंगे तो जो इसकी एक्चुअल प्राइस है वो आप लोगों को डायरेक्ट किसान से आपकी लाला भाई बातचीत करवाएंगे और जो भी हो सकता है वो निगोशिएशन हो जाएगा। बहरहाल एक आइडिया के लिए हम आप लोगों को बता दें कि करीब आप लोगों को ये एक 55-60 के राउंड में ये भैंस मिल जाएगी, जो पूरे दिन का 18 से 20 लीटर दूध करने वाली है। लाला भाई, और भैंस कितनी है? वो इधर है देखो, ये भैंस। मित्रों, इसकी ब्रीड की क्वालिटी देखें, बहुत बढ़िया ब्रीड की है, प्योर टोपली में है। लाला भाई, ये जनी हुई है? जनी हुई है 7 दिन। 7 दिन की? इसके मालिक तो अभी बता रहे 10-10 लीटर दूध चालू है। हाँ हाँ। अच्छा, तो मित्रों आप लोग टोपली की क्वालिटी देख सकते हैं और आर्डर जो इसका थन की बनावट है वो देखें। ये हम वीडियो बना रहे हैं करीब 10 बजे सुबह और 10 बजे ये पूरा ऑर्डर है और जब ये पूरा भरेगा तो शाम को जबरदस्त पूरे एक झाबे के बराबर इसका ऑर्डर डेवलपमेंट होगा। इसका टाइम है दूध निकालने का शाम को भी 7 बजे का, सुबह में भी 7 बजे का है। लाला भाई, अगर कोई मान लो कि जनी हुई भैंस है और कोई भी ग्राहक मित्र आता है तो कितने टाइम मिल्किंग कर सकता है? उसको 4 टाइम, 6 टाइम, 8 टाइम, 2-4 दिन मिल्किंग करना है तो कर सकता है, कोई वो बात नहीं है, क्योंकि अच्छा। माल सही है तो मिल्किंग तो कितने भी टाइम हो सकती है। जी, और ऐसा कुछ नहीं है कि एक बार दूध निकाला और चलो पैसा दे दो और लेके चले जाओ, ये बात गलत है। नहीं, भावनगर में बहुत सारे लोग कैंडिडेट ऐसा कर रहे हैं कि वो क्या करते हैं, बाहर से बुला लेते हैं और ऐसी भैंस का 1,20,000-25,000 रुपये रेट बता देते हैं और यहाँ पे आने के बाद फिर वो अपने अकाउंट में 50,000 रुपये डलवा लेते हैं और फिर ठगी करते हैं। नहीं, ये गलत बात है सर। इसमें क्या है, इधर आया, इसको भैंस समझ में आई तो पहले बातचीत होती है, बातचीत होने के बाद 1,000 रुपया सिर्फ दिया बाना तो भी उसकी पक्की हो जाती है। ऐसा नहीं है कि 50,000 देना है, 1,000 में भी बात पक्की हो जाती है। फिर 2-4 टाइम दूध निकाला और दूध निकालने के बाद भी उसको नहीं जमी तो उसका 1,000 रुपया वापिस दिला देंगे। ओके। अगर दूध में कच्ची निकली, मान लो कि किसी ने 8 किलो बताया और निकला 7 किलो, तो वो बयाना वापस हो जाएगा। बयाना वापस हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि 1,000 दिया तो भी वापस हो जाएगा और 500 दिया तो भी वापस हो जाएगा। ओके। और किसी को 50,000 किधर भी देने की जरूरत है नहीं। ओके ओके। तो मित्रों, अगर आप लोग आते हैं तो आप लोग पैसा कैश लेके ना आए, यहाँ पे आप लोग ट्रांसफर करा लें या जो लाला भाई क्या सुविधा उपलब्ध हो जाती है?
अगर इसी के बारे में सब सुविधा उपलब्ध ट्रांसफर से भी हो जाते हैं और इधर से जो गाड़ी का ट्रांसपोर्ट है वो भी सुविधा उपलब्ध है। ओके 700 किलोमीटर तक हमारे इधर की बोलेरो पिकअप 20,000 में जा रही है। अच्छा 20 से 25,000 में चली जाती है। 18 से 20,000 जाती है और जो 700 किलोमीटर का अंतर है बड़ी गाड़ी का वो 40,000 में जा रही है। आई सर नौ भैंस। अच्छा हाँ कोई ऐसा बोले 50,000 भाड़ा 60,000 भाड़ा ये गलत बात है। ओके हाँ सही रेट में जा रही है। ये भैंस एक महीने की कच्ची। ओके हाँ एक महीने के बाद बच्चा देगी। ओके इसको घुमाओ जरा देखो प्योर ब्रीड में ये तीसरी बार लड़ रही। तीसरी बार बच्चा दे रही। तीसरी बार बच्चा दे रही। तो मित्रों ये प्योर ब्रीड की है, एक महीने की कच्ची है। आप लोग ब्रीड की क्वालिटी देख सकते हैं। लाला भाई इसका कितना कितना दूध है? इसको वो भैया ने अगले साल 9-9, 10-10 लीटर टाइम का दूध निकाला है इसका। अच्छा 10 लीटर। अच्छा हम 9 ही बताएंगे किसान। अच्छा 1 लीटर कम बताएंगे, ज्यादा देगी ना तो अच्छा है उसके लिए। ओके हाँ तो इसकी करीब कीमत कितनी होगी? इसकी कीमत झड़ने पे, जब झड़ने पे 1.5 लाख रुपए कीमत होती है झड़ने पे। हाँ ओके। और जो वो भैंस है उसकी कीमत हमने नहीं पूछा, उसकी कीमत कितनी है? उसका 1,60,000। 1,60,000। तो मित्रों अगर आप लोग ऐसी टोपली खरीदना चाहते हैं तो 1,60,000 के अराउंड मिलेगी। जो भी 10 लीटर की पूरे दिन का 20 लीटर दूध देने वाली होगी वो आप ये मान के चलें कि 1,60,000 के प्लस माइनस में होगा। ठीक है अगली लाला भाई जो ये टोपली है बड़ी भैंस। ओके इसकी थोड़ी प्राइस ज्यादा है क्योंकि प्योर ब्रीड में है और ऊंचा है लंबा है हेवी साइज हेवी हाइट है। देखो हाइट उसकी कितनी बड़ी है। हाँ देखो आप मित्रों इसकी हाइट देख सकते हो। देखो हाइट देखो इसकी आप हाइट देख सकते हैं। ये थोड़ा सा ये भी एक महीने की कच्ची है। एक महीने की हाँ और एक महीने के बाद बच्चा देगी। एक महीने के बाद बच्चा देगी मित्रों टोपली में है। आप लोग देखें टोपली में है, एक महीने बाद बच्चा देगी और बहुत बड़ा इसका स्ट्रक्चर है। देखो हाइट देखो। लाला भाई ये कितना कितना दूध करती है? ये दूध दे देगी 11-11 लीटर। 11-11 लीटर हाँ, टाइम का हाँ, अगले में उसने 9-9 दिया है। ओके हाँ, अभी जो जड़ेगी ना हाँ हाँ पेट जड़ रही है और 11 लीटर टाइम का दूध देगी, दोनों टाइम का 22 लीटर। ओके इसकी कीमत करीब कितनी होगी? इसकी कीमत जो वो बताई वही कीमत रहेगी, ज्यादा कीमत नहीं रहेगी। अच्छा जो हमने जो आगे वाली गैस बताई ना वही कीमत दूध के हिसाब से ही कीमत रहेगी इसकी। ओके ब्रीड में एक नंबर मिलेगी। ओके देखो ये वैसे तीसरा पेट देखो इसको भी अभी 5-5 लीटर दूध चालू में। अच्छा कई दिन की जनी है? ये 3 दिन की जने ली है। 3 दिन की हाँ। अच्छा अभी 5 लीटर दूध है। 5 लीटर दूध है और कितना करेगी ये कर देगी 8-8 लीटर दोनों टाइम का 16 लीटर। 16 लीटर 16 लीटर दूध। इसका प्राइस कितना होगा? इसका प्राइस 1,30,000 रुपये। 1,30,000 रुपये। ये पार्टी है देखो ये पहली बार जड़ी है। ओके ये पार्टी पहली बार जड़ी। और अगर ऐसी पार्टी खरीदना चाहे तो कितने के करीब मिल जाएगी? 1 लाख के आसपास। देखो उसका ब्रीड देखो आंचल थोड़े बड़े हैं लेकिन पहली बार जड़ी है। ऑर्डर थन सब देखो सुबह में 7 बजे अभी दूध निकाला है। ओके इसको अभी 6 दिन हुआ है। 6 दिन 6-6 लीटर चालू में है इसको। अच्छा 1 लीटर और बढ़ सकता है। ओके हाँ। तो मेरे हिसाब से तो लाला भाई ये 1 लाख में नहीं मिलेगी। मेरी बात सुनो सर 1 लाख में नहीं मिलेगी लेकिन 1,20,000-1,25,000 के आसपास मिलेगी। इससे भी कम छोटी वाली पार्टी मिलती है वो 1 लाख के आसपास मिल जाती है। ओके छोटी रहती है। हाँ तो लाला भाई अगर कोई किसान बाहर से आता है तो कितने रेट से कितने रेट तक की भैंसें जनरली मिल जाती है? मान लो कि किसी को 12 लीटर की भैंस लेना है तो वो कितने रेट की मिल जाएगी? एक टाइम का 12 लीटर के सर दोनों टाइम नहीं दोनों टाइम का अगर 12 लीटर की भैंस चाहिए तो जो वाजिब कीमत है वो बताना आप। 85-90 तक मिल जाएगी उसको। अच्छा और अगर मान लो कि 15-16 लीटर की भैंस लेना हो तो 15-16 लीटर की भैंस 1,500-1,100 तक मिल जाएगी। अच्छा ओके और अगर 20 लीटर की प्लस में जाना हो? 20 लीटर के प्लस में जाना है तो 30-150 तक मिल जाएगी सर। ये सही रेट है भैंसों का।
बाकी ग्राहकों के डिपेंड करता है कि ग्राहक जैसे ज्यादा होंगे तो रेट घटेगा बढ़ेगा। ग्राहक समझो ज्यादा है तो रेट में इधर उधर थोड़ा बहुत हो सकता है। अच्छा, फिलहाल तो रेट अभी कम है। नहीं, जो रेट आप बता रहे हो, देखो 20 लीटर में अगर कोई भी भैंस लेता है तो मेरे समझ में 1.5 लाख के नीचे तो कोई नहीं मिलती। हम दिलवा देते हैं ना, 30-35-40 तक हम दिलवा देते हैं। अच्छा, ट्रांसपोर्ट का ऐसा नहीं है कि किसी को समझो अच्छी भैंस की चॉइस किया उधर से बैठे बैठे, उधर हमने उसको 1.5 लाख फोन में बोला और इधर आने के बाद 1.80 हो जाएगा, ये गलत बात है। 31 बोला तो 31 में ही करवाएंगे, 1.5 बोला तो उसमें भी इधर आने के बाद किसान के पास ले जाएंगे और 10-20 हजार और भी कम करवा देंगे। ओके, तो मित्रों खर्चा निकाल देंगे। तो मित्रों, आज जो आप लोग वीडियो देख रहे हैं और आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। जय हिंद, जय भारत।